इस वीडियो में हम जिस ड्रग का कर रिव्यू करने वाले हैं जो कि एक एंटी डायबेटिक ड्रग है उसका नाम है मेटफॉर्मिन ठीक है मेटफॉर्मिन जो है ये मेटिगेट के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल होती है अच्छा बिगविनाइड इसकी क्लास है क्लास है डायबिटीज में बहुत सारी क्लासेस हैं जिसमें एक क्लास है बिगविनाइड्स और उस बिगविनाइड के अंदर जो ड्रग आती है उसको मेटफॉर्मिन कहते हैं और मैं आपको बता दूं कि सबसे फर्स्ट

आप जब खाना खाते हो आपके ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है मेटफॉर्मिन अगर खाना खाने से पहले आप तकरीबन आधा घंटा पहले मेटफॉर्मिन ले लोगे ना तो ये आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने दे नहीं देगा ये सबसे पहला काम हो गया दूसरा काम इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है आपके ब्लड में जो इंसुलिन मौजूद है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और वो ग्लूकोज को फिर क्या करेगा बड़े आराम से मसल के अंदर स्टोर कर देगा तीसरी चीज आपके जो अंतों से शुगर एब्जॉर्ब होती है ब्लड में उसको रोक देगा उसको स्टॉप करवा देगा या कम करवा देगा अच्छा डायबिटीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर होता है इसको हम कहते हैं एच बी ए वन सी ये होते हैं डायबिटीज का एक बायोमार्कर है जब भी आप टेस्ट करवाते हो एच बी के लेवल होते हैं जैसे कि 5.5 है जो कि एक उसका मार्जिन लेवल है 5.5 से बात ज्यादा बढ़ गई तो यूं समझे आप डायबिटिक हैं 5.5 से कम है तो आप यूं समझे आप ठीक हैं क्या है कि अक्सर लोग जो डायबिटीज होते हैं उनका सिक्स में होता है सिक्स में होता है कभी कभी सेवन में भी होता है तो मेटफॉर्मिन लेने से क्या होगा मेटफॉर्मिन लेवल से तकरीबन जो ए वन लेवल है वो वन से टू परसेंट कम हो जाता है अगर आप सिक्स पॉइंट फाइव पे हैं तो मेटफॉर्मिन लेने से आप वापस फाइव पॉइंट फाइव पर आ सकते हैं लेकिन एक बात याद रखिए मेटफॉर्मिन या जो एच बी लेवल है वो तीन महीनों की प्रोफाइल देता है तो यानी कि अगला टेस्ट आपको तीन महीनों के बाद ही मिलेगा जिसमें आपको पता चल सकेगा कि आपका डायबिटीज कम हुआ है इसलिए आपको ये मेडिसिन लगातार लेनी पड़ेगी इसमें आप कोताही ना करें साथ में डायबिटीज के लिए ये एक मोनोथेरेपी की तरफ भी इस्तेमाल हो सकती है यानी मेटफॉर्मिन एक ही मेडिसिन आप लेंगे साथ में आपने अपनी डाइट को चेंज करना है अपने चीनी खाना छोड़ देना है तो मेटफॉर्मिन बहुत अच्छा असर करेगी लेकिन अगर आप आप अपनी डाइट पे कंट्रोल नहीं करते तो मेटफार्मिन के साथ और भी मेडिसिन मिला सिटाग्लिप्टिन मिला दो मिला दो, कोई भी मिला दो वो काम नहीं करेगी इसलिए आपको अपनी डाइट चेंजेस लाजमी करनी है इसके अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए एक बात का मैं बता दूं कि प्रेग्नेंसी में कभी कोई, कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं बल्कि अपने गायनाकोलॉजिस्ट से मशवरा लाजमी करते हैं इसके अलावा कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए साथ ही गुजारिश है चैनल को लाइक कर लें कमेंट करें शेयर करें सब्सक्राइब कर लें शुक्रिया